हेलो एंड वेलकम दोस्तों, इन दिस वीडियो मैं हूँ पीयूष दानानी। और आप कैसे हो मेरे भाई? आई होप आप सभी फिट, फाइन और जबरदस्त होंगे। दुनिया कहती है कि इंडिया की हवा में ही बिजनेस है, तभी तो आज दुनिया की सभी टॉप कंपनी के सीईओ मैनेजमेंट इंडियंस के हाथ में है। और इसीलिए मैं हमारे देश के सभी बिजनेसमैन के लिए हमारा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर से आप आपके बिजनेस का स्टॉक, पेमेंट ट्रांजेक्शन, बिलिंग सभी मैनेज कर सकते हो, वो भी मोबाइल और कंप्यूटर सभी डिवाइस से। इस सॉफ्टवेयर से आप कहीं से भी बिजनेस मैनेज कर सकते हो, चाहे आप ऑफिस पर हो या घर पर हो, कारखाने पर हो या बिजनेस ट्रिप पर हो, शॉप पर हो या हो फॉरेन ट्रिप पर, या किसी भी ब्रांच पे हो, सभी जगह से आप आपके बिजनेस के सभी रजिस्टर देख सकते हो और ऐड और एडिट कर सकते हो। सबसे पहले हमें हमारे सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में सारी पार्टीज कैसे ऐड करनी है। पार्टी यानी कि जिसके पास से हम हमारी प्रोडक्ट बाय करते हैं या फिर जिसको हम हमारी प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो सारी जो पार्टी हो गई, वो सारी पार्टी हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करो। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपको एक नया फॉर्म खुलता है। उसके अंदर हमें जो हमारी नई पार्टी ऐड करनी है उसकी सारी डिटेल फिल कर देनी है। सपोज मान के चलो कि मेरी कोई नई पार्टी है, पीयूष करके कोई पार्टी है, तो मैंने उसकी डिटेल डाल दी। अभी यहाँ पर टाइप का मतलब होता है कि ये पार्टी कौन सी है, बैंक अकाउंट है या सेल पार्टी है, परचेस पार्टी है, लोन पार्टी है, तो वो मैं इधर पर डिटेल डाल देता हूँ। उसके बाद उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, मतलब कि आज से मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आज से पहले का मुझे उसके साथ जो भी लेना देना बाकी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि उसका ये अमाउंट है बाकी। इसके बाद यहाँ पर उसका जो भी एड्रेस है वो सारा एड्रेस डाल देना है। मैं अभी एड्रेस ऐसे ही मैन्युअली डाल देता हूँ। यहाँ पर उसकी सिटी डाल देनी है। सिटी डालोगे तो आप सिटी वाइज या स्टेट वाइज भी आप आपके सारी पार्टी को फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर डाल देना है। और फिर यहाँ पर सबमिट कर देना है ताकि वो पार्टी हमारी सेव हो जाए। ऐसे हमारी जो भी सेल की पार्टी है और जो परचेस की पार्टी है वो सभी पार्टी यहाँ पर हमें ऐड कर देनी है और यहाँ पर उसका हमें लिस्ट मिल जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे बिजनेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, उसका स्टॉक कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करनी है। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको आपकी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। सपोज मेरी प्रोडक्ट का नाम ये है, एक्स वाई जेड एबीसी करके कोई प्रोडक्ट है, उसका ओपनिंग स्टॉक मतलब कि आज से पहले जो मेरा स्टॉक था वो इसमें डालना है। आज के बाद का जो स्टॉक होगा वो तो मुझे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मैनेज करके देगा। तो पहले इसका मेरे पास स्टॉक था 50 की क्वांटिटी में। इसका जो भी एचएसएन कोड हो वो एचएसएन कोड हम इधर पर डालेंगे। एक प्रोडक्ट कौन सी कंपनी की है वो अगर डालनी है तो आप डालो ताकि आप जब स्टॉक को देखो तो आपको कंपनी वाइज स्टॉक आपको मिल सके। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है वो सेल के लिए है या सर्विस के लिए है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विस ऐसी होती है कि जिसे स्टॉक की जरूरत नहीं होती है, जिसे स्टॉक की जरूरत नहीं है उसमें सर्विस सिलेक्ट करो, जिसे स्टॉक की जरूरत है उसे सेल करो। सपोज कोई रिपेयरिंग चार्ज है, कोई सर्विस चार्ज, कोई सर्विस के रिलेटेड प्रोडक्ट हो गई तो वैसा वर्क कर रहे हो तो उसमें सर्विस सिलेक्ट कर लो। और अगर कोई प्रोडक्ट है जो फिजिकली अवेलेबल होती है जिसका स्टॉक की जरूरत है उसके लिए हम यहाँ पर सेल सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं उसमें टैक्स कितना लगने वाला है। सपोज इसका टैक्स लगता है 2.5 CGST और 2.5 SGST और IGST लगता है 5%। और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो वैसे जितने भी प्रोडक्ट आपको ऐड करनी है वो सारी प्रोडक्ट ऐड हो जाती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको एडिट करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट डिलीट करनी है तो आप इधर डिलीट कर सकते हो। अभी हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जितना भी पुराना स्टॉक था वो सारा एक के बाद एक एंटर कर दिया। हमने हमारी सारी पार्टीज ऐड कर दी। अभी हम जब हमारे बिजनेस के लिए नया स्टॉक परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, यानी कि परचेस बिल कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर परचेस पर जाना है। परचेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड परचेस पर क्लिक करना है। अभी जो भी आप परचेस करते हैं तो सामने वाली पार्टी आपको एक परचेस इनवॉइस देगी। वो बिल देखकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल कर देनी है। जैसे कि हमने कौन सी डेट पे हमने परचेस किया था वो बिल के अंदर जो डेट है वो डालनी है। हमने कैश में बाय किया था या क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में बाय करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट कर लो ताकि उसका लेजर मेंशन हो, उसके अकाउंट में हमें उतना देना बाकी ऐसा मेंशन हो जाए। उसके बाद ये बिल है वो किस टाइप का है, जैसे कि इंटरस्टेट B2B है, लोकल B2B है, टैक्स फ्री है या अदर है, जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। फिर बिल के अंदर जो भी बिल नंबर लिखा हुआ होगा
वो बिल नंबर सीरीज के साथ लिख लो। उसके बाद जिस पार्टी से हमने बाय किया है उस पार्टी का नाम यहाँ पर अकाउंट नेम में सिलेक्ट कर लो। अगर आपने अकाउंट में जाके वो पार्टी ऐड की होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर नहीं ऐड की है तो आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इस बिल के अंदर हम जितनी जितनी प्रोडक्ट बाय करते हैं वो सारी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड आइटम पर क्लिक करके हमें सारी प्रोडक्ट ऐड कर देनी है। सपोज़ मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, उसकी क्वांटिटी ऐड करता हूँ और उसकी प्राइस ऐड करता हूँ, वो सारी चीज़ें बिल के अंदर देखकर हमें इसमें एंटर कर देनी है। अगर सामने वाले में हमने हमें डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। जितनी भी आपको प्रोडक्ट बाय की है सारी प्रोडक्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम कर देते हैं सेव। ये हो गया हमारा परचेज। और अभी हम करते हैं सेल। जब हम हमारे सॉफ्टवेयर से या हमारे बिजनेस से कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेल पर जाना है। यहाँ पर नीचे जो लिस्ट आएगा रजिस्टर, वो हमारा जितना भी पुराना बिल होगा उसका रजिस्टर आएगा। अगर पुराना कोई बिल हमें एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक कर सकते हो। अगर कोई बिल डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके वो बिल डिलीट कर सकते हो। सेम ऐसा परचेज में भी कर सकते हो। अभी नया सेल का बिल बनाने के लिए ऐड सेल पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी डेट पे सेल करते हैं तो वो सेल की डेट सेलेक्ट कर लो। हम कैश में सेल कर रहे हैं, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कर लो। अगर हम क्रेडिट सेलेक्ट करते हैं तो उस पार्टी का लेजर मेंशन होगा, मतलब 50,000 का हमने क्रेडिट का सेल बिल बनाया और उसने पैसा अभी हमें नहीं दिया हुआ है तो लेजर में मेंशन होगा कि अभी इसका 50,000 देना या लेना बाकी है। उसके बाद ये बिल किस टाइप का है, लोकल B2B है या इंटरस्टेट B2B है, जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। बिल नंबर देखो, यहाँ हमने जो लास्ट में जिस नंबर का बिल बनाया था वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट बिल नंबर इधर डाल दो। इसके बाद हम डालते हैं ये टैक्स इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। इन दोनों का मतलब क्या होता है, टैक्स इंक्लूसिव मतलब कि आप जिस प्राइस पर प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपये है और आप 100 रुपये में बेच रहे हो और 100 रुपये के अंदर वो टैक्स आ जाता है तो उसे बोलते हैं टैक्स इंक्लूसिव। अगर आप 100 रुपये प्राइस डाल रहे हो और उसके ऊपर 100 रुपीज़ के ऊपर आपको टैक्स लगाना होता है तो उसे बोलते हैं टैक्स एक्सक्लूसिव। तो उसमें से अभी कुछ भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद हम यहाँ पर पार्टी नेम सिलेक्ट करनी है, किस पार्टी को बेच रहे हैं। अगर उसको हम क्रेडिट में बेच रहे हैं तो उसकी पार्टी हमें अकाउंट में बना लेनी चाहिए ताकि उसका लेजर मेंशन हो। अगर कैश में बेच रहे हैं तो यहाँ पर बिना पार्टी ऐड किए भी हम उसका बिल बना सकते हैं। उसके बाद इस पार्टी को हम जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो सारी प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालो कि कितनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं और उसका प्राइस डाल दो कि भाई उसे किस प्राइस में बेच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेव कर दो। ऐसे कितनी भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ऐड ऐड करके डाल दो और उसके बाद यहाँ से प्रिंट निकाल लो। अभी हम आ जाते हैं स्टॉक पे। स्टॉक कैसे मेंशन होगा कि जितनी जितनी चीज़ हमने ओपनिंग स्टॉक में डाली थी वो यहाँ पर आ जाएगी। जितनी भी प्रोडक्ट होगी, जिस प्रोडक्ट में हमने सेल सिलेक्ट किया था वो सारी प्रोडक्ट यहाँ पर हमें दिख जाएगी। अभी जितनी जितनी प्रोडक्ट को हमने परचेस किया हुआ है वो ओपनिंग प्लस परचेस होगी और उसमें से हम जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो माइनस होगी और आखिर में हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा कि भाई हमने प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, ये जो मैसेज आ रहा है वो जिस सॉफ्टवेयर से मैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट थी उस प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा, यहाँ से हमने कितनी क्वांटिटी में परचेस किया, कितनी क्वांटिटी में सेल किया और अभी हमारे पास उसका कितना स्टॉक है वो दिखाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट आपको सर्च करनी है तो यहाँ से आप उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हो, उस कंपनी का नाम लिख के सर्च कर सकते हो, उसका क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी आप इधर से सर्च कर सकते हो। ये हो गया स्टॉक। अब हम देखते हैं कि हमें मार्केट में किसको कितना पैसा देना है और किस पार्टी से हमें कितना पैसा लेना है, मतलब कि हमारे जो भी पेमेंट के ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं पेएबल में जाकर। पेएबल यानी कि हमें किसको कितना पैसा देना है, मतलब कि हमने जिन जिन लोगों से क्रेडिट में परचेस किया था उन सबका हमें पैसा देना होगा। तो यहाँ पर आप सर्च करके किसी भी पार्टी को सर्च करके उसका लेजर चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने पीयूष से हमने काफ़ी बार परचेस किया हुआ है पहले भी, तो अभी हम इसको पैसा दे रहे हैं तो उसकी एंट्री करना है पे आउट में। ये हमने काफ़ी सिंपल कर दिया है। बिजनेस में जितना पैसा है जा रहा है
वो सभी एंट्री होगी पे आउट में। जैसे हम बिजनेस के कोई भी एक्सपेंस करते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, हम लाइट का बिल पे करते हैं, या फिर किसी पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सारे पैसे हमारी कंपनी से जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं, तो जो पैसा जा रहा है उसकी एंट्री हम पे आउट में करेंगे। पे आउट में जाने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करनी है। एड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट डाल देनी है कि हम कौन सी डेट पे पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन सी पार्टी है, पार्टी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देनी है कि हम अभी उसको कितना पैसा दे रहे हैं। उसके बाद डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट मतलब कि कई बार कैसा होता है कि हम पार्टी को पेमेंट करते हैं तो वो अमाउंट हम राउंड फिगर वाली देते हैं, 1200 की जगह हम 1000 रुपये देते हैं, लेकिन हमारे लेजर में 1200 की एंट्री करनी है, वो 200 रुपये हमें डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर वो अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। और रिमार्क में अगर हमें कुछ लिखना है हमारी यादी के लिए कि भाई ये पैसा इसको दिया था या ये रीज़न था ये वो जो भी, तो वो रीज़न वहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। फिर ये जो पेमेंट की स्लिप है वो आपको प्रिंट करनी है तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। अभी देखते हैं पेएबल में, वो पीयूष की पार्टी में जाके चेक करते हैं तो उसके लेजर से इतने पैसे कम हो गए। अभी हम देखते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल यानी कि हमें किन किन पार्टियों से कितने कितने पैसे लेने हैं, तो जितनी भी पार्टी होगी के जिसके पैसे बाकी होगी उसकी यहाँ पर लिस्ट आएगी। अगर किसी पार्टी का नाम सर्च करोगे तो प्रॉपर उसकी डिटेल आएगी। अभी हम सिंगल एंट्री की हुई है तो उसके लेजर में जाकर चेक कर लेते हैं। अभी हम जाते हैं पे इन में। इसमें पे इन क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में पैसा आ रहा है, कोई भी पार्टी हमें पेमेंट कर रही है या हम कोई चार्ज ले रहे हैं तो वो सारा पैसा पे इन में एंट्री करेंगे। अगर हमने क्रेडिट में बिल बनाया है तो ही इसमें पेमेंट की एंट्री करनी है, अगर कैश में बिल बनाया है तो पेमेंट की एंट्री तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। इसके बाद हम डेट सिलेक्ट करते हैं, कैश से लिया बैंक से लिया वो डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नेम लिख लेते हैं, फिर अमाउंट, अगर डिस्काउंट कुछ है तो, रिमार्क कुछ है तो, बाकी कर देते हैं सेव। अभी हम चेक कर लेते हैं इस वेबल में जाके, उसी पार्टी का लेजर देख लेते हैं। लेजर भी आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है।